गुड मॉर्निंग माई स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सो टूडे आई स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे और फर्दर अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। सो सबसे पहले हम नारकोटिक ड्रग्स के बेसिक डेफिनेशंस को देखें। देन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स टू मेक द प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑपरेशंस that is related to narcotic drugs and psychotropic substances. Means जो basic definitions narcotic drugs and psychotropic substances की है, psychotropic substances की, तो वो जो operations को control और regulate करना है, act to consolidate, और कौन से लॉज को amend करना है टू फर्दर कंट्रोल एंड रेगुलेट द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस, ये बेसिक डेफिनेशंस। दूसरा चीज, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू देम। मीन्स प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस से जो भी मैटर्स डिस्कस्ड होंगे, दैट शुड बी ऑल मेंशनड एंड स्पेसिफाइड एंड कंसिडर्ड एज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सर जब आगे बढ़े तो नारकोटिक ड्रग्स एंड की एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करें, तो सबसे पहले इट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। मीन्स पूरे इंडिया में लागू होगा और पूरे सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, टू ऑल पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वो सारे पर्सन्स जो शिप से चले या फिर एयरक्राफ्ट से। इट्स कमिंग टू फोर्स ऑन सच डेज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड इन रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be construed in relations to any state as a reference to the coming into the force of that provision in that state. Means extent and commencement की बात करें तो सबसे पहली चीज़, ये narcotic drugs and psychotropic substances जो एक्ट है 1985, उस एक्ट के अकॉर्डिंग इट फर्दर एक्सटेंड्स टू होल इंडिया और इट फर्दर अप्लाइज दिस एक्ट नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इट ऑल्सो फर्दर अप्लाइज टू ऑल द पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। और जैसे ही ये नोटिफिकेशंस मेंशन होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट्स, तो उस डेट से वो सारे प्रोविजंस, वो कंट्रोल एंड रेगुलेशंस इफेक्टिव हो जाते हैं। फर्दर डेफिनेशंस की बात करें यहाँ पे, तो एडिक्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज डिपेंडेंस ऑन एनी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। एडिक्ट मीन्स जो आदि हो गया है पर्सन्स, ए पर्सन हु हैज डिपेंडेंस ऑन, जो आदि हो गया किसके लिए, डिपेंडेंसी ऑन
नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसका मतलब एड एक्ट। बोर्ड मीन्स जो कंट्रोल, जो रेगुलेट करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963। कैनाबिस हेम्प मीन्स, कैनाबिस हेम्प का मतलब क्या होता है, चरस, गांजा या एनी मिक्सचर। तो चरस का मतलब होता है सेपरेटेड रेजिन इन वॉट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म हो सकते हैं, या क्रूड होगा या फिर प्यूरिफाइड। और कहाँ से पाया जाएगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस प्लांट, मीन्स चरस, कैनाबिस हैम्प। तो चरस रेजिन से सेपरेट आउट होता है, वेदर इट वुड बी इन द क्रूड फॉर्म और प्यूरिफाइड फॉर्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस प्लांट। गांजा जो होता है वो कैनाबिस प्लांट का फ्लावरिंग टॉप या फिर फ्रूटिंग टॉप्स होता है, और एनी मिक्सचर्स विथ और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम। और कैनाबिस प्लांट मीन्स एनी प्लांट ऑफ द जीनस कैनाबिस, इस प्लांट मीन्स कोई भी पौधा जो कि जीनस कैनाबिस से अचीव हुआ हो। ठीक है, कैनाबिस से अचीव हुआ हो। आगे बढ़े हम तो कोका डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। क्रूड कोकीन की बात करें तो एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोकीन के मैन्युफैक्चरिंग में। इकोगीन एंड ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ इकोगीन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड। कोकीन दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगीन एंड इट्स सॉल्ट। कोकीन का मतलब होता है कि बेंजोइल इकोगीन का मिथाइल एस्टर या फिर उसका सॉल्ट हो सकता है। कोका लीफ का मतलब क्या होता है, कोका लीफ मीन्स द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट ऑफ ए लीफ from which all icogen, cocaine and any other icogen alkaloids have been removed। coca leaf का मतलब होता है कि coca plants except leaf जिसमें से icogen, cocaine and other icogen alkaloids हटा दिया गया हो, और any mixtures without any neutral material। तो ये क्या होता है हमारा कोका लीफ। आगे बढ़े तो कोका प्लांट, कोका प्लांट की बात करें कोका प्लांट की बात करें तो डेफिनेटली कोका प्लांट की बात करें तो प्लांट ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ जीनस एरिथ्रोजाइलान। कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो इन रिलेशन्स टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मींस एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्निक और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द नॉलेज एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर एम्पावर्ड इन द बिहाफ ऑफ ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन। करस्पॉन्डिंग लॉ का मतलब होता है कि एनी लॉ which is corresponding to the provisions of the narcotic drugs and psychotropic substances।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग लॉ का मतलब होता है एनी लॉ विच इज फर्दर करस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। आगे बढ़े तो डीलिंग इन एनी एक्टिविटीज इन नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सब क्लॉज 1, 2, 3 और हैंडलिंग आउट एनी प्रमाइसेस फॉर द कैरिंग ऑन ऑफ एनी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एफोरमेंशन्ड एक्टिविटीज। आगे हम और चलें तो एबेटिंग कॉन्स्पायरिंग द सपोर्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब यहाँ पे है कि कन्वेंशंस डन बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एट न्यूयॉर्क और बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो कन्वेंशंस ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात हो रही थी जो वियना में हुआ फरवरी 1971 में। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि ऑल प्रोसेस अदर देन प्रोडक्शन बाय विच सच ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में बी ऑब्टेंड रिफाइनिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग का मतलब होता है कि ऑल कोका डेरिवेटिव्स मेडिसिनल कैनबिस ऑफिम डेरिवेटिव्स एंड पॉपी स्टॉक कंसनट्रेट्स। अगर वहीं पे हम मेडिसिनल कैनबिस की बात करें तो मेडिसिनल हेम्प से जो एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस हुआ है मेडिसिनल कैनबिस। नारकोटिक कमिश्नर्स की बात करें तो नारकोटिक्स कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 और नारकोटिक ड्रग्स का मतलब होता है मींस कोका लीफ कैनबिस हेम्प ऑफिम पॉपी स्ट्रॉ एंड इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर हम ऑफिम का मतलब की बात करें तो कोगुलेटेड जूस ऑफ द ऑफिम पॉपी, ऑफिम पॉपू का जो जिसमें से कोगुलेटेड जूस प्रोड्यूस हो और ऐसा मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल ऑफ द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ऑफिम पॉपी तो उसको क्या है ऑफिम जिसमें कि नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन हो। प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन इस प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं ऑफिम। अगर अफीम की डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली द प्रोसेस हैज अंडरगोन नेसेसरी टू अडॉप्ट इट फॉर मेडिसिनल यूज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। प्रीपेड अफीम का अगर ये है मेडिसिनल अफीम और अगर वहीं प्रीपेड अफीम की बात करें तो डेफिनेटली एनी प्रोडक्ट ऑफ अफीम बाई एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस designed to transform opium into an extract suitable for smoking to ye kya hota hai prepared opium definitions ki baat kare to phenanthrene alkaloids namely morphine codeine thebine and their salts। फिनेंथ्रीन एल्कोलाइड में क्या क्या आते हैं मॉर्फिन कोडीन थीबीन एंड सॉल्ट डाई एसिटाइल मॉर्फिन नोन एज हीरोइन। ऑफिम पॉपी का मतलब होता है कि पेपावर सोमनी वेरम स्पेसीज प्लांट स्पेसीज से जो ऑब्टेन किया जाए वो ऑफिम पॉपी। ठीक है पॉपी स्ट्रॉ मीन्स ऑल पार्ट्स except the seeds of the opium poppy after harvesting।
इन द ओरिजिनल फॉर्म वो क्या होता है, पॉपी स्ट्रॉ। अगर पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट की बात करें तो डेफिनेटली मींस द मटेरियल अराइजिंग व्हेन पॉपी स्ट्रॉ हैज एंटर्ड इनटू अ प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स लिक्विड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स एल्कोलॉइड्स। मीन्स पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट का मतलब होता है, कंसंट्रेट मतलब आपको मालूम है एक गाढ़ा पदार्थ, एक गाढ़ा सब्सटेंस, मीन्स ऐसा मटेरियल जो पॉपी स्ट्रॉ से ऑब्टेंड किया गया हो, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जिसमें एक सॉल्यूशन बना हो, वॉट एवर इन फिजिकल स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, वो होता है प्रेस्क्राइब, उस एक्ट के थ्रू जो चीज प्रेस्क्राइब की जाए। प्रोडक्शन मींस सप्रेशन ऑफ अफीम, पॉपी स्ट्रॉ, कोका लीव्स और कैनबिस फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम विच एवर दे आर ऑब्टेन। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंसेस नेचुरल और इट मे बी सिंथेटिक इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स, स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ये क्या होता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस। स्मॉल क्वांटिटी मतलब होता है रिलेटेड टू क्वांटिटी लेसर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर फर्दर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। मीन्स स्मॉल क्वांटिटी नाम से समझ में आ रहा है क्वांटिटी कैसी है, स्मॉल है, और इस स्मॉल क्वांटिटी की भी स्पेसिफिकेशन किसके थ्रू होनी चाहिए, फॉर रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बाई गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल, ओनली एंड ओनली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। फर्दर और आगे हम बात करें, टू इम्पोर्ट इंटर स्टेट मीन्स टू ब्रिंग इन टू स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंडिया फ्रॉम अनादर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अगर इम्पोर्ट टू इंडिया, अगर इन टू इंडिया की बात करें, इट मीन्स टू ब्रिंग इन टू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, टू इम्पोर्ट इन टू इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मीन्स वेरिएशंस एंड कोग्नेट एक्सप्रेशंस मीन्स टू टेक आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। और वहीं अगर एक्सपोर्ट इंटर स्टेट का मतलब होता है टू टेक आउट ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू अनादर स्टेट, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले एक्सपोर्ट करना, वो क्या हो गया, टू एक्सपोर्ट इंटर स्टेट। अब हम अथॉरिटीज एंड रेस्पेक्टिव ऑफिसेस की बात करें तो यहाँ पे पहली चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग द अब्यूज ऑफ एंड इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मेजर्स लिया, एस इट डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग अब्यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस।
इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिज्यूस द मेजर्स ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट मे टेक अंडर द सबसेक्शन इंक्लूड मेजर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑल बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। किस किस मैटर्स को कंसिडर किया? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय वेरियस ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिसर से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस को कंसिडर किया गया। अंडर द एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन कनेक्शन विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और ऑब्लिगेशंस अंडर द इंटरनेशनल कन्वेनियंस और असिस्टेंस टू द कंसर्न अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज एंड कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with a view to facilitate the coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. So these are all the basic inclusions of authorities and officers. Further identification, treatment, education, after care, rehabilitation and social reintegration of addicts. Further matters ka discussion hoga, provisions and control of the act and preventing and combating the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances. Central government may consider it necessary or excipients to the purpose of the act, hierarchy of authorities by names to be specified, dusri cheez central government shall appoint a narcotic commissioners, narcotic commissioner kya karenge, shall either by himself or through officers subordinate karenge to him, exercise all the powers, perform all the functions relating to the superintendence of the cultivation of the opium poppy and production of opium, and shall also exercise and perform such powers and functions as be entrusted to him by the central government. और बेसिक चीज़ें बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स विदाउट डेसिग्नेशंस एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, द ऑफिसर्स अपॉइंट अंडर सब सेक्शंस शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या डायरेक्टेड बाय दैट गवर्नमेंट। मीन्स दीज आर ऑल the aspects of narcotic drugs and psychotropic substances. तो जहाँ पर हम जानते हैं कि narcotic drugs and psychotropic substances इसकी control, इसकी regulations, further provisions को maintain करना, regulate करने के लिए central government से authorized person authorize करना, these are the responsibilities of the Narcotics and Psychotropic Substances Act. So these are all about the Narcotics and Psychotropic Substances, and further we will discuss about the Consultative Committee, Opium Cultivations and Productions, and further offenses and penalties of narcotics, drugs and psychotropic substances in next lecture. So thank you, all the best.